अमित शाह ने बताया कांग्रेस को मिलेगी 40 सीट, जाने समाजवादी पार्टी को लेकर कितनी सीटों का किया दावा। चुनावी सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विपक्षी गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भविष्यवाणी की है कि 5 चरणों के चुनाव के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यानी सपा को कितनी सीटें आएंगी। उन्होंने कहा 5 चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। इन 5 चरणों में मोदी जी 310 सीटें पार कर चुके हैं और इंडिया अलायंस का सूपड़ा साफ हो गया है। बाबा साहेब ना होते तो एससी एसटी को भी नहीं मिलता आरक्षण, जब नेहरू पर पीएम मोदी ने साधा निशाना, क्या था पूर्व पीएम का रुख। हाल ही में बिहार की एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण को लेकर एक और मोर्चा खोल दिया है। इस मुद्दे पर पीएम मोदी ने कहा कि सच्चाई यह है कि अगर अंबेडकर नहीं होते तो नेहरू ने एससी एसटी के लिए आरक्षण की अनुमति नहीं दी होती। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी गुट संविधान बदलना चाहता था और धार्मिक अल्पसंख्यकों को आरक्षण देना चाहता था। नॉर्थ ब्लॉक के बाद दिल्ली के कॉलेज को मिली धमकी, लेडी श्री राम में आया बम से उड़ाने का कॉल। दिल्ली में बम की धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। नॉर्थ ब्लॉक में बम मिलने की धमकी के बाद अब दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज में भी बम की धमकी भरा कॉल आया। ये कॉल शाम 4:40 के आसपास आया। हालांकि ये कॉल फर्जी निकला, कॉलेज खाली था और गिने चुने स्टाफ के लोग ही वहां मौजूद थे जिन्हें बाहर निकाल दिया गया। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो, जल्द भारत लौटो, प्रज्वल रेवन्ना को पूर्व पीएम एसडी देवेगौड़ा की चेतावनी। कर्नाटक के हासन लोकसभा सीट से जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना अभी तक फरार हैं। इसे लेकर पूर्व प्रधानमंत्री एसडी देवेगौड़ा ने अपने पोते प्रज्वल रेवन्ना के लिए चेतावनी जारी करते हुए जल्द से जल्द भारत लौटने के लिए कहा है। पूर्व पीएम एसडी देवेगौड़ा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मैंने प्रज्वल रेवन्ना को चेतावनी जारी कर दी है कि वह जहां भी हैं वहां से तुरंत लौट जाएं और यहां यानी भारत में कानूनी प्रक्रिया में शामिल हों। उसे मेरे धैर्य की और परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। खेसारी लाल यादव ने वाल्मीकि नगर में किया रोड शो, जेडीयू प्रत्याशी के पक्ष में हाथ जोड़कर की अपील। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से एनडीए गठबंधन के जदयू प्रत्याशी सुनील कुमार कुशवाहा के पक्ष में भोजपुरी फिल्म अभिनेता खेसारी लाल यादव गुरुवार को प्रचार करने पहुंचे। वाल्मीकि नगर में सुनील कुमार कुशवाहा के पक्ष में रोड शो किया। इस दौरान खेसारी लाल यादव को देखने के लिए भारी भीड़ पहुंची थी। वहीं भोजपुरी फिल्म अभिनेता खेसारी लाल यादव ने हाथ जोड़कर मतदाताओं से जदयू प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। रोड शो में लोरिया विधायक सह भोजपुरी गीतकार विनय बिहारी भी मौजूद रहे। पूर्वांचल में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है, वोटिंग से पहले अफजाल अंसारी का बड़ा दावा। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी, बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय और बसपा प्रत्याशी उमेश सिंह समेत निर्दल प्रत्याशी डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अफजाल अंसारी के गैंगस्टर मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है, बावजूद इसके वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी सरकार पर हमलावर है। अफजाल अंसारी इस बात का दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है और वो खुद पिछली बार की तुलना में 2 गुने मतों से जीतेंगे। बीजेपी नेता अनिल शर्मा को जान से मारने की मिली धमकी, आकाश सिंह के समर्थकों पर लगाया आरोप। महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पक्ष में विगत कई दिनों से कैंप कर चुनाव प्रचार करने वाले प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता अनिल कुमार शर्मा को 23 मई को धमकी मिली है। कांग्रेस प्रत्याशी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह पुत्र आकाश सिंह के समर्थकों ने उनके मोबाइल पर कॉल कर चुनाव प्रचार छोड़कर अविलंब क्षेत्र से बाहर चले जाने और जान से हाथ धोने की धमकी दी है। अनिल कुमार शर्मा ने यह आरोप लगाया है। मनोज तिवारी के लिए देवेंद्र फडणवीस ने किया रोड शो, बोले ये लड़ाई देशभक्त। और दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान के आखिरी दिन गुरुवार यानी 23 मई को सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस भी बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी के प्रचार के लिए राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे और रोड शो में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार और राहुल गांधी पर तंज कसा। शिवराज सिंह चौहान के बेटे कुणाल की हुई सगाई, आप भी देखें दुल्हन की तस्वीरें। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के यहाँ जल्द शहनाई गूंजने वाली है। उनके छोटे बेटे कुणाल की सगाई की तस्वीरें सामने आई है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के छोटे बेटे कुणाल की शादी तय हो गई है।
उनकी सगाई की तस्वीरें भी सामने आई हैं। पूर्व सीएम के घर जल्द ही सहनाई गूंजेगी। छोटे बेटे कुणाल की सगाई भोपाल के इंद्रमल जैन की पोती से हुई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है दोनों ही परिवार के सदस्य एक साथ मौजूद हैं। अमित शाह हिमाचल के इन जिलों में करेंगे चुनावी रैली, जाने बीजेपी के स्टार प्रचारकों की पूरी लिस्ट। हिमाचल प्रदेश में सातवें और आखिरी चरण यानी 1 जून को मतदान है। चुनाव के नजदीक आते ही हिमाचल प्रदेश में स्टार प्रचारकों का आना शुरू हो गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नाहन और मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शनिवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह का हिमाचल प्रदेश आने का कार्यक्रम है। देश के गृह मंत्री अमित शाह हमीरपुर संसदीय क्षेत्र और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे।